हेलो बच्चों, बच्चो फिल्द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है सो so बच्चों आज हम इस वीडियो में ट्वेल्थ फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे बच्चों मैंने यहाँ पे टोटल 58 फिजिकल क्वांटिटीज निकाली है और तो ये सारी फ़िजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला हम बनाएंगे बच्चों ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो आपको बोर्ड की एग्जाम में एंड गुजकेट की एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे क्योंकि इनमें से ही डायरेक्टली एम बना के पूछे जाते हैं और बच्चों यहाँ पे जो भी हम यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे इसकी जो नोट्स है पी फ़ाइल है ये पी फ़ाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएंगी तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं ओके okay बच्चों तो चलो आइए शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो यहाँ पे पहली फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू सो बच्चों यहाँ पे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद इसके ऐसा यूनिट निकालेंगे और फाइनली हम डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे सो so, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी और यहाँ पे हम Q को सब्जेक्ट बनाते हैं सो so Q इक्वल्स टू आई इंटू टी यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट होता है एंड T टाइम होता है सो so यहाँ से हम इसके ऐसा यूनिट निकालते हैं सो क्यू इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा एम्पियर इंटू सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं कुलम्ब अब बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं सो so, यहाँ पे एम्पियर का डायमेंशन होता है ए वन एंड सेकेंड का डायमेंशन होगा टी वन सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन बनेंगे एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं सो so, यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कूलम्स कॉन्स्टेंट सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं एफ़ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर और यहाँ पे हम k को सब्जेक्ट बनाते हैं सो so, k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू यहाँ पे जो F है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जिस r है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जिस एंड q1 वन एंड क्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस है और यहाँ पे हम कुलम्स कांस्टेंट के ऐसा यूनिट निकालते हैं तो यहाँ पे यूनिट बनेगा फोर्स का यूनिट न्यूटन यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम इंटू कुलम कुलम स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला हम रखते हैं एम वन एल वन टी माइनस टू साथ में है आर स्क्वायर तो इसके डायमेंशन हो गए एल टू डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू वन इंटू क्यू टू तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन होते हैं टी वन इंटू ए वन सो टी वन इंटू ए वन और यहां पे दो बार इलेक्ट्रिक चार्ज है सो so, यहां पे हम स्क्वायर कर लेते हैं तो बच्चों यहां पे हमें मिलेगा एम वन एल वन एल टू हो जाएगा एल थ्री टी माइनस टू डिवाइड बाय यहां पे नीचे होगा टी टू ए टू फाइनल so, आंसर हमें मिलेगा एम वन एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू सो बच्चों कूलम्स कांस्टेंट के ऐसा यूनिट एंड इसके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिए यहां पे थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन जीरो सो बच्चों यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ्साल जीरो इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेर और यहां पे हम एफ्सालन जीरो को सब्जेक्ट बनाते हैं सो एफसेल जीरो इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एफ इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेर सो यहां पे एफ्सालन जीरो के यूनिट बनेंगे यहां पे Q1 वन एंड क्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो यहां पे यूनिट बनेंगे कुलम इन टू कुलम कुलम स्क्वेयर डिवाइड बाय यहाँ पे फोर्स है सो न्यूटन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर सो so, यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर सो एप्सालोन जीरो के यूनिट हमें मिले कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकलते हैं सो so, यहाँ पे कुलम स्क्वायर है सो so, कुलम के डायमेंशन होते हैं टी वन इंटू ए वन और यहाँ पे स्क्वायर है डिवाइड बाय न्यूटन के डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू यहाँ पर मीटर स्क्वायर, सो डिस्टेंस के डायमेंशन हो गए एल वन और इसका स्क्वायर, सो so, यहाँ पे होगा टी टू ए टू डिवाइड बाय एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल टू सो यहाँ पे हमें मिलेगा टी टू ए टू डिवाइड बाय एम वन एल वन एंड एल टू हो जाएगा एल थ्री टी माइनस टू सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू सो बच्चों एफसेल ऑन जीरो के यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिए अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्वेशन है K इक्वल्स टू एफ्सलॉन बाय एप्सलॉन जीरो और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं सो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू एफ्सालन बाई एप्सलॉन जीरो इक्वल्स टू एप्सलॉन आर सो यहाँ पे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का जो यूनिट है वो यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है जब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है तो इसका यूनिट कैंसल हो जाता है तो यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा इसके कोई भी डायमेंसन नहीं बनेंगे सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट लेस सो ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है एंड ये डायमेंसन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी सो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है इसके कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं बनेंगे सो so, यहाँ पे हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम यूज करते हैं ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम और दूसरा इसका यूनिट है वॉल्ट पर मीटर और इसके डायमेंसन निकालते हैं हम सो न्यूटन का डायमेंशन होगा m1 l1 एल वन टी माइनस टू डिवाइड बाई कुलम के डायमेंशन हमें पता है t1 a1 ए सो यहाँ पे फाइनल डायमेंशन हमें मिलेंगे m1 l1 एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन होता है p इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड टू ए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जिस है सो so, इसका यूनिट बनेगा कूलम इन मीटर एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे यहाँ पे कूलम के डायमेंशन होते हैं टी वन ए वन एंड मीटर के होंगे एल वन so, तो इसके डायमेंशन बनेंगे एम जीरो एल वन टी वन ए वन सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी सो लिनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है लैमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल सो यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड एल लेंथ है सो so यहाँ पे इसके यूनिट बनेंगे कूलम पर मीटर और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे कूलम के डायमेंशन है टी वन ए वन डिवाइड बाय मीटर के डायमेंशन हो गए एल वन so सो यहाँ पे फाइनल डायमेंशनल फार्मूला बनेगा एम जीरो एल माइनस वन टी वन ए वन so सो बच्चों यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाले अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसका इक्वेशन है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया सो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे कूलम के डायमेंशन है टी वन ए वन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर मतलब एल टू एम जीरो एल माइनस टू टी वन ए वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सो यहां पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर क्यूब और इसके डायमेंशन बनेंगे यहां पे चार्ज का डायमेंशन होगा टी वन ए वन डिवाइड बाई वॉल्यूम का डायमेंशन हमें पता है एल थ्री सो यहां पे फाइनल डायमेंशन बनेंगे एम जीरो माइनस थ्री टी वन ए वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन है फाइव इक्वल्स टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर ए यहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ए जो है वो है एरिया वेक्टर सो so, इसका यूनिट बनेगा फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर सो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और बच्चों यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड यूनिट है वॉल्ट पर मीटर एरिया का होगा मीटर स्क्वायर तो यहां पे एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा वॉल्ट इन टू मीटर अब बच्चों यहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन निकालते हैं सो यहां पे न्यूटन है मीटर स्क्वायर पर कूलम है सो न्यूटन मतलब फोर्स तो इसके डायमेंशन हो गए एम वन एल वन टी माइनस टू इन टू यहां पे मीटर स्क्वायर है तो इसके डायमेंशन एल टू डिवाइड नीचे कुलम है तो कुलम के डायमेंशन होते हैं टी वन ए वन so सो बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा एम वन एल वन एंड एल टू हो जाएगा एल थ्री टी माइनस टू डिवाइड बाई टी वन ए वन सो बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिलेगा एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर एरिया एलिमेंट सो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं वेक्टर डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस इन कैप एनकेफ कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है एंड जो डेल्टा एस है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया एलिमेंट सो इसका ऐसा यूनिट बनेगा डेल्टा एस वैक्टर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे एल टू सो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट हो गए अब हम सेकंड चैप्टर के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं सो बच्चों सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं वर्क डन का W इक्वल टू क्यू इन टू वी यहां पे V जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो यहां पे V इक्वल्स टू हमें मिलेगा W अपॉन Q और यहां पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा जूल पर कूलम वर्डन डन का यूनिट होता है जूल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होगा कूलम और इसको हम लिख सकते हैं वॉल्ट अब बच्चों यहां पे इसके डायमेंशन हम निकालते हैं सो so, वर्ड डन के डायमेंशन होते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन हमें पता है t1, a1, ए वन सो यहां फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा m1, l2, t टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे u इक्वल्स टू क्यू इंटू वी एंड यहां पे ये यह एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला हो गए एम वन एल टू टी माइनस टू अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट सो पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट सो इसका इक्वेशन है डी वी अपॉन डी आर यहाँ पर डी वी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड डी आर जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस सो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट बनेगा वॉल्ट पर मीटर एंड इसके डायमेंसन बनेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके डायमेंसन हमने निकाले हैं यहाँ पे हम पोटेंशियल के डायमेंशन ही यूज करेंगे सो पोटेंशियल के डायमेंसन है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन डिवाइड बाई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के डायमेंशन हो गए एल वन so, सो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायमेंशन हमें मिलेंगे एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी डेंसिटी सो एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन है यू ई इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी सो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा एनर्जी का यूनिट होता है जूल एंड वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब सो इसका ऐसा यूनिट बनेगा जूल पर मीटर क्यूब एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे यहाँ पे एनर्जी के डायमेंशन होते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं एल थ्री so, सो यहाँ पे हमें फाइनल डायमेंशन मिलेंगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस so, टू सो बच्चों ये एनर्जी डेंसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन है अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन का इक्वेशन है पोलराइजेशन पी इक्वल्स टू टोटल डाइपोल मोमेंट टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम सो यहां पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब सो यहाँ पे एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा मीटर स्क्वायर तो इसका फाइनल यूनिट मिलेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर सो तो बच्चों इसके डायमेंशन फॉर्मूला बनेंगे यहां पे कूलम है सो तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन लिखेंगे सो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन हो गए टी वन ए वन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर मतलब इसके डायमेंशन हो गए एल टू so, सो यहाँ पे हमें फाइनल डायमेंशन मिलेंगे एम जीरो एल माइनस टू टी वन ए वन सो बच्चों ये पोलराइजेशन के यूनिट एंड डायमेंशन है अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई सो यहाँ पे इक्वेशन हम यूज करेंगे पी इक्वल्स टू जीरो काई इंटू ई यहाँ पे पी जो है वो पोलराइजेशन है एप्सालोन जीरो जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एंड ई e जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा काई ई इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सालन जीरो ई और यहाँ पे हम वन बाय वन सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिखेंगे सो so, यहाँ पे पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एफ्सा जीरो एफ्सा जीरो का यूनिट है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम सो बच्चों यहाँ पे ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक कूलम कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये कूलम इसके साथ कैंसल हो जाएगा सो so बच्चों यहां पे सारे यूनिट कैंसिल हो गए मतलब कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा और जब इसके कोई भी यूनिट नहीं होते तो इसके डायमेंसन भी नहीं होते सो so ये डायमेंसन लेस फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन लेस सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कैपेसिटन्स कैपेसिटेंस so, का इक्वेशन हम यूज करते हैं सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सो इसका ऐसा यूनिट बनेगा सो so, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम डिवाइड बाय वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सो इसका यूनिट बनेगा वॉल्ट कूलम पर वॉल्ट और इसको हम लिख सकते हैं फेरेड अब बच्चों इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज सो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन है टी वन ए वन डिवाइड बाय वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सो इसके डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाल लिए है इसके डायमेंशन हमें पता है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो यहां पे बनेगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू सो so, बच्चों यहाँ पे कैपेसिटेंस के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिए सो so, बच्चों यहाँ पे चैप्टर टू के यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गए अब हम चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं अब बच्चों थर्ड चैप्टर में फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट और इसका इक्वेशन है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टी टाइम सो so, बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट मिलेगा कूलम पर सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे आई इक्वल्स टू ए वन सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है करंट डेंसिटी जे सो करंट डेंसिटी का इक्वेशन है जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक करंट है एंड ए एरिया So, यहां पे करंट डेंसिटी का यूनिट बनेगा जे इक्वल्स टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और यहां पे इसके डायमेंशन बनेंगे ए का डायमेंशन होगा ए वन डिवाइड बाय यहां पे मीटर स्क्वायर है तो इसके डायमेंशन बनेंगे एल टू सो यहां पे करंट डेंसिटी के डायमेंशन बनेंगे एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो एंड ए वन सो so, यहां पे हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस आर सो यहां पे रेजिस्टेंस का इक्वेशन हम यूज करते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई सो यहां पे वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आई मतलब करंट सो यहां पे इसका यूनिट बनेगा पर एम्पियर और इसको हम लिख सकते हैं ओम अब इसके डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं आर इक्वल्स टू सो so यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है एंड पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन हमें पता है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन और यहाँ पे करंट है सो so करंट के डायमेंशन हो गए ए वन so सो यहां पे फाइनली रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूला हमें मिलेंगे एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी ऑफ दी मटेरियल सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए और यहां पे आर रेजिस्टेंस है रो है रेजिस्टिविटी एल लेंथ एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सो यहां पे हम रो को सब्जेक्ट बनाते हैं सो रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर इंटू ए अपॉन एल सो यहां पे रजिस्टिविटी का यूनिट बनेगा ओम इन मीटर स्क्वायर पर मीटर ये वन मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमें यूनिट मिलेगा ओम इंटू मीटर अब बच्चों यहाँ पे रेजिस्टिविटी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो के डायमेंशन हमने अभी निकाले हैं सो तो इसके डायमेंशन है एम वन एल टू ए माइनस थ्री ए माइनस टू एंड यहां पे एरिया है तो एरिया के डायमेंशन हो गए एल टू डिवाइड बाई नीचे लेंथ है सो इसके डायमेंशन हो गए एल वन so, सो यहां पे हमें मिलेगा एम वन एल टू एल टू एल फोर हो जाएगा और नीचे एल वन है सो यहां पे बनेगा एल थ्री यहां पे है टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मोबिलिटी मोबिलिटी म्यू इसका यूनिट है म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई यहाँ पर जो वी डी है इसे हम कहते हैं ड्रिप्ट वेलोसिटी और ई e जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड सो यहाँ पे मोबिलिटी का यूनिट बनेगा तो यहाँ पे ड्रिप्ट वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें पता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम सो यहाँ पे बनेगा मीटर इंटू कुलम डिवाइड बाई न्यूटन इंटू सेकेंड और यहाँ पे न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड सो यहाँ पे एक सेकेंड कैंसल हो जाएगा एंड एक मीटर कैंसिल हो जाएगा सो so, यहाँ पे हमें मिलेगा कूलम इंटू सेकेंड अपॉन केजी और यहाँ पे ये मोबिलिटी का एक यूनिट है यहाँ पे दूसरा यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, सो so, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट यूज़ करते हैं वॉल्ट पर मीटर सो so, यहाँ पे ये मीटर ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्ट इनटू सेकेंड सो so, ये मोबिलिटी का दूसरा यूनिट है अब बच्चों यहाँ पे मोबिलिटी के डायमेंसन हम निकालते हैं सो so, यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे ड्रिप्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिप्ट वेलोसिटी के डायमेंसन हो गए एम जीरो एल वन टी माइनस वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन हमने निकाले हैं एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो यहाँ पे मोबिलिटी के डायमेंसन हमें मिलेंगे तो यहाँ पे एम जीरो है नीचे एम वन है तो एम माइनस वन एल वन कैंसिल हो जाएगा सो एल जीरो यहाँ पे टी ऊपर जाएगा तो टी थ्री माइनस वन टी टू एंड ए वन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कंडक्टिविटी सो so, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है इसका इक्वेशन यूज करते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू वन अपॉन रजिस्टिविटी रो अब बच्चों इसके हम यूनिट निकालते हैं सो so, यहां पे रजिस्टिविटी का यूनिट हमने निकाला है ओम इंटू मीटर सो यहां पे यह ऊपर जाएगा सो ओम इंटू मीटर इन्वर्स हो जाएगा सो so, यहां पे बनेगा ओम इनवर्स मीटर इन्वर्स और यहाँ पे ओम इन्वर्स को हम लिख सकते हैं सीमेंस इंटू मीटर इन्वर्स सो बच्चों यहाँ पे कंडक्टिविटी के यूनिट हमने निकाले अब बच्चों यहां पे कंडक्टिविटी के डायमेंशन हो गए वन अपॉन So, यहां पे रजिस्टिविटी के डायमेंशन हमने निकाले हैं एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू सो यहां पे ये ऊपर जाएगा सो एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री एंड ए टू अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सो so, बच्चों इसका इक्वेशन है V इक्वल टू आई इंटू आर और यहां पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा वॉल्ट और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल लिए है सो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सो so, इसका इक्वेशन है W अपॉन क्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड ऐसा यूनिट बनेगा झूल पर कूलम और वॉल्ट सो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के डायमेंशन हो गए यहां पे वर्क डन के डायमेंशन हमें पता है M1 L2 एल 2 टी माइनस टू एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन है टी A1 ए वन सो यहां पे हमें मिलेगा M1 एल टू टी माइनस टू नीचे है टी वन तो टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन सो बच्चों ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायमेंशन है सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ड्रिफ्ट स्पीड सो ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन है वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इन टू टाउ यहां पे स्मॉल ई e है इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम एंड एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये स्पीड है तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है रिलैक्सेशन टाइम सो यहाँ पे ये टाइम है सो so इसका यूनिट बनेगा सेकेंड एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला हो गए टी वन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं अल्फा तो यहां पे अल्फा के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालने है तो so, यहां पे हम इक्वेशन यूज करेंगे रो टी इक्वल्स टू रो जीरो इन वन प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो यहां पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा रो जीरो प्लस अल्फा रो जीरो टी माइनस टी जीरो अब रो जीरो को इस साइड ले आते हैं तो हमें मिलेगा रोटी माइनस रो जीरो इक्वल्स टू अल्फा रो जीरो टी जी माइनस टी जीरो इसे हम कहते हैं डेल्टा रो इक्वल्स टू अल्फा जी रो जीरो और ये हो जाएगा डेल्टा टी यहां पे हम अल्फा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा टी अब बच्चों यहाँ पे यह अल्फा का इक्वेशन बन गया अब यहाँ पे हम इसके ऐसा यूनिट निकालते हैं सो so, यहाँ पे अल्फा का ऐसा यूनिट बनेगा यहाँ पे डेल्टा रो अपॉन रो जीरो है तो इसके यूनिट कैंसल हो जाएंगे तो यहां पे बचेगा वन अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी के यूनिट होते हैं डिग्री सेल्सियस जिसको हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स और बच्चों इसके डायमेंशन हो गए के माइनस वन सो so बच्चों यहाँ पे थर्ड चैप्टर के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिए अब बच्चों चैप्टर फोर के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला हम देखते हैं सो so बच्चों चैप्टर फोर की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा और यहाँ पे हम बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल साइन थीटा और यहाँ पे जो एफ है वो है फोर्स आई करंट है एंड एल लेंथ है सो so यहाँ पे यूनिट बनेगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर एंड इसका दूसरा यूनिट है टेस्ला सो so, बच्चों यहाँ पे इसके डायमेंसन हो गए फोर्स के डायमेंसन हमें पता है एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइड बाय करंट के डायमेंशन हो गए ए वन एंड लेंथ के डायमेंसन है एल वन सो यहाँ पे हमें फाइनल डायमेंसन मिलेंगे एम वन यहाँ पे एल वन एल वन कैंसिल हो जाएगा सो एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन सो so, बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट एंड डायमेंशन है सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइंथीटा अपॉन आर स्क्वेर यहां पे हम म्यू जीरो को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा बी इंटू फोर पाई आर स्क्वेर डिवाइड बाय आईडीएल साइन थीटा आईडीएल साइन थीटा सो बच्चों यहां पे म्यू जीरो का यूनिट बनेगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमने डिराइव किया है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर यहाँ पे आर डिस्टेंस है सो so यहाँ पे मीटर स्क्वेर डिवाइड बाय यहां पे I मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड डीएल मतलब स्मॉल लेंथ सो यहां पे एम्पियर इंटू मीटर सो बच्चों यहां पे ये एक मीटर कैंसिल हो जाएगा ये मीटर यहां पर कैंसिल हो जाएगा सो so, यहां पे हमें यूनिट मिलेगा न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर और बच्चों इसका दूसरा यूनिट भी होता है सो so, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट है टेस्ला एंड इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा सो so, इसका दूसरा यूनिट हमें मिलेगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर अब बच्चों इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ पे इस यूनिट से इसके डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे न्यूटन मतलब फोर्स के डायमेंशन हो गए सो एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइड बाय यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर है सो so, यहाँ पे ए टू सो फाइनल डायमेंशन हमें मिलेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू ए माइनस टू सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इफेक्टिव टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ दी स्प्रिंग सो यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट के यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं टॉर्क इक्वल्स टू के फाई सो तो यहाँ पे जो के है वो है टॉर्सनल कॉन्स्टेंट सो तो यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं सो तो के इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन फाई सो तो यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट बनेंगे टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर फाई मतलब डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन हम मेजर करते हैं रेडियन में सो तो यहाँ पे के का यूनिट हमें मिला न्यूटन इंटू मीटर अपॉन रेडियन अब यहाँ पे हम इसके डायमेंशन निकालते हैं टॉर्क अपॉन फाइव तो यहाँ पे टॉर्क के डायमेंशन वर्डन जितने होते हैं सो तो वर्डन का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू एंड फाइव डिफ्लेक्शन होता है सो तो यहाँ पे इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते ये डायमेंशन लेस होता है सो तो यहाँ पे टॉर्सनल कॉन्स्टेंट के डायमेंशन हमें मिले एम वन एल टू टी माइनस टू बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है करंट सेंसिटिविटी सो इसका इक्वेशन है आई एस इक्वल्स टू फाइव अपॉन आई यहां पे फाइव मतलब डिफ्लेक्शन एंड आई जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट सो इसका यूनिट बनेगा आई एस इक्वल टू डिफ्लेक्शन का यूनिट होता है रेडियन एंड करंट का यूनिट होता है एम्पियर सो बच्चों यहां पे इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे सो so, रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता एंड एम्पियर के डायमेंशन होते हैं ए वन सो यहां पे करंट सेंसिटिविटी के डायमेंशन बनेंगे ए माइनस वन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड इसका इक्वेशन होता है वी एस इक्वल्स टू फाइव अपॉन वी डिफ्लैक्शन पर यूनिट वोल्टेज यहाँ पे फाइव डिफ्लेक्शन है एंड वी वोल्टेज है सो so, इसके ऐसा यूनिट बनेंगे डिफ्लेक्शन जो है वो रेडियन में मेजर होता है एंड वोल्टेज का यूनिट होगा वोल्ट सो वोल्टेज सेंसिटिविटी के यूनिट हमें मिले रेडियन पर वोल्ट एंड इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता सो वन अपॉन वोल्टेज वोल्टेज के डायमेंशन हमने निकाले हैं एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो यहाँ पे हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी के डायमेंशन मिलेंगे एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री ए वन अब बच्चों यहां पे हमने चैप्टर फोर के यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट किए अब हम चैप्टर फाइव देखते हैं सो चैप्टर फाइव में फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इक्वेशन है एम इक्वल्स टू आई इंटू ए करंट इंटू एरिया सो यहाँ पे इसका यूनिट बनेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेर सो यहाँ पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे एम जीरो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो एल टू टी जीरो ए वन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं एम इक्वल्स टू क्यू एम इंटू टू एल यहाँ पे जो एम है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यू एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है एंड 2L है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स अब यहाँ पे हम क्यू एम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा क्यू एम इक्वल्स टू एम अपॉन टू एल सो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हमें मिलेगा सो यहाँ पर यह मैग्नेटिक मोमेंट है सो इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ये लेंथ है सो यहाँ पे मीटर यह so यह so होगा ये मीटर कैंसिल हो जाएगा सो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हमें मिला एम्पियर इंटू मीटर अब बच्चों इसके डायमेंशन यहाँ पे बनेंगे एम जीरो यहाँ पे मीटर है तो L1, T0 जीरो एंड एम्पियर है तो A1। अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटाइजेशन सो मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन है M इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सो बच्चों यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट हमें पता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब सो so, यहां पे ये मीटर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा सो so, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट हमें मिलेगा एम्पियर पर मीटर अब बच्चों इसके डायमेंशन हम निकलते हैं सो so, इसके डायमेंशन हो गए एम जीरो एल माइनस वन क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में मीटर है टी जीरो एंड ए वन यहां पे ये एम्पियर है सो so, यहां पे मैग्नेटाइजेशन का ये यूनिट एंड डायमेंशन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एच और यहाँ पे हम एच को सब्जेक्ट बनाते हैं तो एच इक्वल्स टू हमें मिलेगा बी अपॉन म्यू जीरो अब बच्चों यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा अब बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा टेस्ला अपॉन म्यू जीरो का यूनिट हमने डिराइव किया है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर और यहाँ पे ये टेस्ला कैंसिल हो जाएगा सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट हमें मिला एम्पियर पर मीटर अब बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायमेंशन हम निकालते हैं सो so यहाँ पे एम्पियर है सो so एम्पियर का डायमेंशन होता है ए वन एंड यहाँ पे मीटर है सो so यहाँ पे बनेगा एल वन सो यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायमेंशन हमें मिले एल माइनस वन ए वन सो बच्चों ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन हमने निकाले अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं एम इक्वल्स टू काई एम इन टू एच यहाँ पे एम मैग्नेटाइजेशन है एच है मैग्नेटिक इंटेंसिटी सो यहाँ पे हम काई एम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा एम अपॉन एच सो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट निकालते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है एम्पियर पर मीटर एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर ही होता है सो so यहाँ पे ये यह कैंसल हो जाएगा सो बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है एंड इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होगे सो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी सो बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू जीरो अब बच्चों यहाँ पे इसका यूनिट हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो यहाँ पे इसके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे सो so, बच्चों यहाँ पे ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है एंड यहाँ पे ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी सो बच्चों रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है सो so, बच्चों यहाँ पे हमने चैप्टर फाइव के यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट किए अब हम चैप्टर सिक्स देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो so बच्चों चैप्टर सिक्स की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं फाइव इक्वल्स टू वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए सो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा मैग्नेटिक फिल्ड का यूनिट हमें पता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर यहाँ पे एक मीटर कैंसिल हो जाएगा सो so हमें यूनिट मिलेगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर और बच्चों इसका दूसरा यूनिट होता है मैग्नेटिक फ़ुल का यूनिट है टेस्ला इंटू एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर और बच्चों इसका थर्ड यूनिट होता है वेबर इसका थर्ड यूनिट है वेबर और बच्चों इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं सो यहां पे न्यूटन है सो यहां पे हम फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू यहां पे मीटर है तो यहां पे होगा L1 वन डिवाइड बाय एम्पियर सो यहाँ पे A1 होगा सो so, बच्चों यहां पे हमें मिलेगा M1 L1 वन एंड एल ये हो जाएगा L2 t टी माइनस टू एंड ए ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा A माइनस वन सो बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट एंड डायमेंशन हो गए अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस सो so, यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं एल इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई अब यहाँ पे बच्चों इसके यूनिट हम निकालते हैं सो so, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है सो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट हमने अभी निकाले न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा एम्पियर सो so, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट हमें मिलेंगे न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर सो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर सो so, ये दूसरा यूनिट है अब बच्चों यहां पे तीसरा यूनिट हम निकालते हैं यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट होता है वेबर और करंट का यूनिट होगा एम्पियर सो वेबर अपॉन एम्पियर सो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के तीन यूनिट है अब बच्चों इसके डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं यहां पे न्यूटन है न्यूटन मतलब हम फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू यहां पर मीटर है तो यहां पे होगा एल वन डिवाइड बाय ए टू सो यहां पे हमें मिलेगा एम वन एल वन एल वन ये हो जाएगा एल टू टी माइनस टू एंड ए ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू So, बच्चों यहाँ पे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट एंड डायमेंशन निकाले अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है म्यूचुअल इंडक्टेंस सो इसका इक्वेशन है एम इक्वल्स टू एन फाइ टू अपॉन आई वन सो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो सेल्फ इंडक्टेंस के ऐसा यूनिट है वही हो गए क्योंकि यहाँ पे ये यह दोनों का जो इक्वेशन है वो एक ही जैसा है सो so, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के हमने तीन यूनिट निकाले थे सो so, इसके भी तीन यूनिट बनेंगे सो so, पहला यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, दूसरा यूनिट बनेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर एंड इसका तीसरा यूनिट बनेगा वेबर अपॉन एम्पियर और बच्चों यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो सेम ही बनेगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का था तो सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशन फार्मूला थे एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू सो यहाँ पे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दोनों के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला हमें सेम ही मिले सो so, बच्चों यहाँ पे चैप्टर सिक्स कंप्लीट हो गया अब हम चैप्टर सेवन के यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं सो so, बच्चों चैप्टर सेवन की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल सो so, यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और यहां पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ इन टू एल सो एक्सएल का इक्वेशन हमें मिला टू पाई एफ एल सो यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हम बनाते हैं सो so यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस है तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा वन अपॉन सेकेंड सो इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हमें मिला न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड और बच्चों इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो है ओम सो so, बच्चों यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं सो so, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस के डायमेंशन रजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर ही हो गए सो so, रेजिस्टेंस के डायमेंशन हमें पता है एम वन एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू सो यहाँ पे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के यूनिट्स एंड ये डायमेंशन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी सो इसका इक्वेशन है एक्सी इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं टू पाई एफ इन टू सी अब यहाँ पे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट बनाते हैं सो so, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वन अपॉन सेकेंड इन टू यह है सो so कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वॉल्ट सो so, यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट हमें मिलेगा सो so यहां पे ये वॉल्ट इन सेकेंड ऊपर जाएगा सो वॉल्ट इंटू सेकेंड अपॉन कूलम सो बच्चों ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट है और इसका एक और स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो है ओम सो so, यहां पे इसके डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर ही हो गए सो रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूला है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इंपीडेंस सो इंपीडेंस को हम कहते हैं जेड और इसका इक्वेशन है वी एम अपॉन आई एम मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट और बच्चों ये इंपीडेंस का ऐसा यूनिट बनेगा वॉल्ट अपॉन एम्पियर जिसे हम लिख सकते हैं ओम सो बच्चों इंपीडेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला भी रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर ही हो गए एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आरएमएस वोल्टेज और इसका इक्वेशन है वी आर एम एस इक्वल्स टू एम अपॉन रूट टू और यहां पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा वॉल्ट और यहां पे इसके डायमेंशनल फार्मूला हो गए एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो बच्चों ये आर एम एस वॉल्टेज का यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला है अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आर एम एस करंट आई और इसका इक्वेशन है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम अपॉन रूट टू और यहां पे इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर और यहां पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए ए वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसका इक्वेशन है एफ जीरो इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी और इसका ऐसा यूनिट बनेगा जो कि बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है सेकंड इन्वर्स और हर्ट्स सो बच्चों यहां पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे टी माइनस वन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर फैक्टर और इसका इक्वेशन है कॉस phi कॉस phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर कॉस्फा इक्वल्स टू आर अपॉन जेड सो बच्चों यहाँ पे रजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ये दोनों को हम ओम में मेजर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा सो so, यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होगी और यहाँ पे इसके कोई भी डायमेंशन नहीं बनेंगे तो ये डायमेंशन लेस भी होगा सो so बच्चों यहाँ पे हमने चैप्टर सेवन की सारी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर ली अब हम चैप्टर नाइन देखते हैं अब बच्चों चैप्टर नाइन की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेटरल मैग्निफिकेशन और इसका इक्वेशन है एम इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब बच्चों ये दोनों हाइट है और ये दोनों मीटर में मेजर होती है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है और यहां पे ये डायमेंसन लेस भी होगी सो so ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर ऑफ अ लेंस सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं पी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ यहां पे जो एफ है वो है फोकल लेंथ और पावर का ऐसा यूनिट बनेगा वन अपॉन फोकल लेंथ और फोकल लेंथ मीटर में मेजर होती है सो वन अपॉन मीटर इक्वल्स टू मीटर इनवर्स और इसको हम लिख सकते हैं डायोप्टर। सो so बच्चों यहाँ पे पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट है मीटर इनवर्स और डायोप्टर। और यहाँ पे इसके डायमेंशन हो गए पी इक्वल्स टू वन अपॉन यहाँ पे फोकल लेंथ है और ये मीटर में मेजर होता है सो so यहाँ पे एल वन होगा सो so ये ऊपर जाएगा सो एल माइनस वन सो so, बच्चों यहाँ पे चैप्टर नाइन की ओनली दो ही फिजिकल क्वांटिटी थी जो हमने कंप्लीट कर ली अब हम चैप्टर इलेवन देखते हैं क्योंकि यहाँ पे चैप्टर टेन में कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट हम निकाले क्योंकि चैप्टर टेन में जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो हमने दूसरे चैप्टर में देख ली है अब बच्चों चैप्टर इलेवन की फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट सो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज करते हैं ई इक्वल्स टू एच म्यू और यहाँ पे h को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा h इक्वल्स टू ई अपॉन म्यू सो बच्चों यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट के यूनिट बनेंगे यहाँ पे e एनर्जी है एंड म्यू फ्रिक्वेंसी है सो एनर्जी का यूनिट है जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा वन अपॉन सेकेंड सो कांस्टेंट के यूनिट हमें मिले जूल इन टू सेकेंड अब बच्चों इसके डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं एनर्जी के डायमेंशन होते हैं एम वन एल टू माइनस टू डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन होगा टी माइनस वन सो यहां पे के डायमेंशन हमें मिले एम वन एल टू और यहां पे माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन होगा सो टी माइनस टू प्लस वन तो हमें मिलेगा टी माइनस वन सो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वर्क फंक्शन फाइव जीरो और इसका इक्वेशन है फाइव जीरो इक्वल्स टू एच म्यू जीरो जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है एंड म्यू जीरो थ्रेसोल फ्रिक्वेंसी सो यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट हम निकालते हैं प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हमने निकाला जूल इन टू सेकेंड एंड म्यू जीरो थ्रेसोल फ्रिक्वेंसी है तो so, इसका यूनिट है वन अपॉन सेकेंड और सेकेंड इन वर्स सो यहाँ पे वन अपॉन सेकेंड और ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो वर्क फंक्शन का यूनिट हमें मिला जूल और वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं सो so, वर्क फंक्शन के दो यूनिट है जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो so, बच्चों वर्क फंक्शन के डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे एम वन एल टू टी माइनस टू क्योंकि यहां पे जो वर्क फंक्शन है इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्टॉपिंग पोटेंशियल सो बच्चों यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं ई जीरो इक्वल्स टू के मैक्सिमम सो यहां पे हम वी जीरो को सब्जेक्ट बनाते हैं सो वी जीरो इक्वल्स टू के मैक्सिमम अपॉन ई सो यहां पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये है इलेक्ट्रिक चार्ज सो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के यूनिट बनेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जूल अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम जूल पर कूलम और इसको हम लिख सकते हैं वॉल्ट सो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कुलम और वॉल्ट और बच्चों इसके डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस जितने ही हो गए सो so, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशनल फार्मूला है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है थ्रेसोल फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो सो यहां पे हम इक्वेशन यूज करते हैं फाइव जीरो इक्वल्स टू एच म्यू जीरो सो यहां पे म्यू जीरो इक्वल्स टू हमें मिलेगा फाइव जीरो अपॉन एच अब बच्चों इसका ऐसा यूनिट हम निकालते हैं तो यहाँ पे है फाइव जीरो अपॉन एच वर्क फंक्शन को हम मेजर करते हैं जूल में एंड प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हमें मिला जूल इन सेकेंड तो ये जूल जूल कैंसल हो जाएगा सो हमें मिलेगा वन अपॉन सेकेंड जिसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स सो थ्रेसल फ्रीक्वेंसी का यूनिट है सेकेंड इनवर्स सो बच्चों इसके डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे टी माइनस वन सो बच्चों आगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दी ब्रोगली वेवलेंथ सो इसका इक्वेशन है लेमड़ा इक्वल्स टू एच अपॉन पी सो यहां पे इसके यूनिट हम निकालते हैं यहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है सो so, इसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाय मोमेंटम के यूनिट होते हैं के मीटर पर सेकेंड सो so, बच्चों यहाँ पे ये यह जूल की जगह हम लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइड बाय के जी मीटर पर सेकेंड सो बच्चों यहाँ पे ये के जी के जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक मीटर कैंसल हो जाएगा यहाँ पे एक सेकेंड कैंसल हो जाएगा और ये सेकेंड सेकेंड कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली एक मीटर बचेगा तो बच्चों यहां दी ब्रोगली वेवलेंथ का यूनिट होगा मीटर और बच्चों इसके डायमेंशनल फॉर्मुला हो गए तो बच्चों यहां पे चैप्टर इलेवन की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने कंप्लीट कर ली अब हम चैप्टर थर्टीन की फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे सो तो बच्चों यहां पे चैप्टर थर्टीन में ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है एटॉमिक मास यूनिट तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू वन बाय ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन सी ट्वेल्व एटम और बच्चों ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसका जो ऐसा यूनिट है वो है यू और यहाँ पे यू एंड किलोग्राम ये दोनों के बीच का एक रिलेशन है वन यू इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी सो यहां पर ये वन यू एंड के जी का रिलेशन है अब बच्चों इसके डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए एम वन